व्यूअर्स पहले इस भाई दा सवाल सुनो जी। कलो सवाल बयान बाबा मिलाद मनाना किथे लिखया? मिलाद मनाना साडी किस्मत च लिखया। अच्छा ते कुरान पाक किथे साबित है? कुरान हदीस च जी साबित है वे ते तुसी ए वेला टाइम आना ते फिर इंशाल्लाह मैं तुहानू तुहाडा एदा जवाब दांगा। अगर ए साबित है ते दसो मेरे व्यूअर नहीं तुसी फिर आना मेरे आज रोजा लगे ते फिर इंशाल्लाह तुहानू मैं जवाब दांगा इंशाल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबी हुरैरा ता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिया खान ये आपकी दुआ से अल्लाह पाक ने भाई को बेटे दिए। ये दोनों बेटे माशाल्लाह आपकी दुआ से हमें दिया अल्लाह पाक ने। भाई कह रहा था इसे डॉक्टर के पास ले केड़े नु लेके जांदे थे डॉक्टर को? इन दोनों को मतलब डॉक्टर से आराम नहीं आता। हां जी तो इधर आए दम रखवाए माशाल्लाह ये ठीक हो जाते हैं। कोई भी मसला हो कुछ भी हो तो ठीक हो जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका नाम क्या है ये छोटे का? छोटे का नाम मोहम्मद अजान है और बड़े का नाम मोहम्मद अयान है। मोहम्मद अयान अजान ते मोहम्मद अयान ते मोहम्मद अयान अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। रमजान शरीफ का 13वां रोज़ा आज मुबारक हो। असी जा रहे हैं सुबह सुबह मस्जिद च नमाज़ पढ़ने वास्ते। असी सोचा कि अज का जिवें बाबरकत दिन ना रमजान शरीफ का तो अज भी लोग भी बाबरकत हो जाए साढ़ा माशाअल्लाह। चन्न वेखो किदा सोहना लगन डिया है। अद्धा बदलों च अद्धा बाहर हम जूम करा तो कि नेड़े हो जाना हो गई माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबी हुरैरा ता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सहम फिल इस्लाम लिमन ला सलात लहू वला सलात लिमन ला वुजू अलहू। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस्लाम में कोई भी हिस्सा नहीं उस शख्स का जो नमाज ना पढ़ता हो और बेवुजू की नमाज नहीं होती। दूसरी हदीस में है कि दीन बगैर नमाज के नहीं है। नमाज दीन के लिए ऐसे ही है जैसा आदमी के बदन के लिए सर होता है। सुबह बखैर ते असी अपने सफर वास्ते होन लगे रवाना चौक मुंडे वास्ते ते फिर आज दी सारी वीडियो दोस्तों नाल शेयर करांगे। की ध्यान जी चलो रेडी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हां। चलो तो सबसे पहले हमने जाना है एटीएम। एटीएम से माल कढ़ोना? हां जी। चलो अच्छा बाबू फिर गड्डी च बह गए हैं ते हुण फिर जा रहे इंशाअल्लाह चौक मुंडा। ते साडे नाल अज राणा साहब ज्ञान बेटा ते नाल साडे शायर इस्माइल आसी साहब। हाँ बांग अदबी दा बहुत वड्डा शायर है। शायर साहब कोई शेर सुनाओ के दिल खुश हो जाए ते तुहानू मैं मौजू दसना कि उस मौजू ते शेर होना चाहिए। दुनियादारी ते कोई शेर सुना दो। दुनियादारी के हवाले से ना मेरे अबू एक शेर सुनाया करते थे। मैं बहुत अपना सुना मामा अपने अब्बे दा सुनाने लग पे। ए शेर ए नाजरीन ए शायर जे मैं कह शेर सुनाओ अपने अबू दा शेर सुनाना तो अपना सुना मामा। सबक मौज है ना भाई। नहीं भाई तू अपना सुना अबू दा। चलो वो भी सुना। वडेरियां दी गल्लां ते फिर सानू पता के ओ ते तारीखी अल्फाज हुंदे ने जिहड़े साडे बुजुर्ग सन उहनां दे तारीखी अल्फाज सन ओह ते असी अदा कर ही नहीं सकदे। ना साडे कोल साडी इन्नी जुरत आ ना साडी इन्नी औकात आ बुजुर्गां दीआं गल्लां ते बुजुर्गां दीआं सुनणा। असी अज दे दौर च मतलब कि तू की वेख्या दुनियादारी दे विच आ के इह अपना दस। ऐसे रहा करो के जमाना हैरान हो। क्या बात। ऐसे चलन चलो के दुनिया मिसाल दे। वाह 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 क्या बात है। चसनी ओ बहुत अच्छा बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। ऐ संजी साडे दर्जी साहब जिन्होंने शेर सुनाया वा ते हुण आपां एक शेर ध्यान बेटे कोलो सुनदे कि ओ कितां दा शेर सुनाउंदे दुनियादारी ते। चलो जी ध्यान बेटा एक शेर तुसी सुना दो। जी जी मिट्टी दा है ते मिट्टी रहना है एवें कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ ते क
कल मिट्टी दे थले। क्या बात है, ए ध्यान बेटे दा भी शेर सुन लिया तुसी, ते मैं भी शेर कोई सुना दवा जिवे तुसी कहो फिर, बल्कि मैं चलो अगली वीडियो च सुनावांगा इंशाअल्लाह। सफर साडा फिर चालू जे। बैंक अगे लग गई है ब्रेक, त्यार बेटा हुण मारेगा एटीएम। ए बढ़ गए जी माशा, जान बेटा एटीएम मार आया वा, ते हसन डिया लगता माल मिल गया वा। चलो माशाल्लाह, बहो जी सुबह सुबह आना। चलो जी शाबाश, लो शाबाश। और बाकी आपको पता है माशाल्लाह रमजान शरीफ का दूसरा अशरा शुरू हो गया है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको रमजान मुबारक, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम सबको जिंदगी में एक दफा फिर रमजान शरीफ की ये मुबारक घड़ियां आता फरमाई। और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक अपने इस भेजे हुए मेहमान के अदब के तकाजे हम सबको सही तौर पर ठीक ठीक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रमजान शरीफ की आमद से एक दिन पहले आप एक महफिल सजाते, अपने गुलामों को इकट्ठा करते, और इस महीने की फजीलत, इसकी शान, इसका मर्तबा बयान करते थे। क्यों? क्योंकि मेरा कोई गुलाम भी इसकी रहमतों से महरूम ना रह जाए। सुभान अल्लाह। और रमजान ये अल्लाह पाक का इसमें सिफ्त भी है, रमजान का मैनी है जला देने वाला, खत्म कर देने वाला। ये हमारे गुनाहों को खत्म कर देता है, जला देता है। जिस तरह अल्लाह पाक ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता किए थे, इसी तरह अल्लाह ने अपने बंदू को 12 महीने अता किए। और जिस तरह उन 12 बेटों में मुझे एक मिनट भाई, और जिस तरह उन 12 बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा हसीन और सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, इसी तरह इन 12 महीनों में रमजान का महीना सबसे ज्यादा बरकत वाला महीना है। देश, देश। और जिस तरह अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके उनके बाकी 11 भाइयों की खताओं को माफ कर दिया था, इसी तरह अल्लाह पाक इस एक महीने के सदके अपने बंदों के बाकी 11 महीनों के गुनाहों को माफ कर देता है, खत्म कर देता है। दिया खान, ये आपकी दुआ से अल्लाह पाक ने भाई को बेटे दिए, ये दोनों बेटे माशाल्लाह आपकी दुआ से हमें दिया अल्लाह पाक ने। भाई कह रहा था इसे डॉक्टर के पास ले, केड़े नु लेके जांदे थे डॉक्टर को? इन दोनों को मतलब डॉक्टर से आराम नहीं आता। हां जी, तो इधर आए दम रखवाए माशाल्लाह ये ठीक हो जाते हैं, कोई भी मसला हो कुछ भी हो तो ठीक हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका नाम क्या है ये छोटे का? छोटे का नाम मोहम्मद अजान है और बड़े का नाम मोहम्मद अयान है। मोहम्मद अयान, अजान ते मोहम्मद अयान ते मोहम्मद अयान। व्यूअर्स, ये है दरख्त बोतल बुर्ज, इसको कहते हैं। ये देखिए, इस पर ना रेड कलर के फूल लगते हैं माशाल्लाह, बड़ा प्यारा पौधा है माशाल्लाह। ये मेरे डेरे पर लगा हुआ है, डेरे पर। और ये पीछे मेरे है जी टाली, पंजाबी च इन्हू कहते हैं टाली। हाँ जी बिल्कुल। तो तुसी आओ, तुहानू मैं होर भी पौधे विखाना कि जेडे मेरे जेडे डेरे ते लगे ने। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖਿਓ ਕੱਦ 'ਚ ਧਿਆਨ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਟੇ ਕਾ ਦਰਖਤ,
माशाल्लाह ये तो ऐसे मौसमी खावांगे। ये भी चल पड़ा है और इसके आगे ये भी है माल्टे का दरख्त और आड़ू का दरख्त भी है। नहीं आड़ू का वो सूख गया था, आड़ू का दरख्त सूख गया था। और ये ध्यान बेटा इसका नाम पता है, ये जो पौधे लगे हुए ना दरमियान ये लाइन में जो, इनका नाम पता है आपको? नहीं इन्हें नाम दसो की बुझो फिर बुझो बुझ 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 बुझो इन्हों का नाम। मैं थोड़ा जा इशारा दा जी आप कोन नहीं खाते, कोन खाने ना वो आइसक्रीम वाली खाने के नहीं खाने हैं। नाम ओ रलता मिलता वा को बुझ लो हम कोनर नहीं नहीं कोनो कोनो ये है कोनो दे पोते कोनो दे एस माशाल्लाह ये भी चल पे ने सारे डेरे दे उत्ते लगे ने अल्हम्दुलिल्लाह। ए लगा श्री दा पोता श्री ये भी चल पे आवा कोनो कोनो ए कोनो नहीं है ए कोना वहाँ ए तनु ओ मैं कोनो दा दरख्त विखाया ते ए तन मैं कोना विखाया ए चेक करो कोना है ना हूँ वह बोतल बुरश लगा वा ए अपने सारी डेरे की जगह वा वह बोतल बुरश लगा वा तो अंदर चलते हैं हूँ ध्यान बेटा जरा अपने हाथों अनार लगाया वह भी वीवर्स डेरे पर एक और लड़का था वो ज़्यादा केयर नहीं करता था पौधों की तो अनार जो है वो सूख गया था। अब ये अनार सूख गया था, एक वो भी था शतूत का पौधा वो भी सूख गया था लेकिन अब लड़का हमने चेंज किया है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेहनत की है। अनार चेक करो ये चीज़ है अनार का पौधा, ये फूल दिखाएं। ये ध्यान बेटे ने अपने हाथों से ये लगाया है अनार का पौधा, ये जो है ये हवेली के अंदर है ये है भूख लगिया ने सी पंजाबी छी इन भूकों कहने भूक। ये देखें ये शतूत का एदियां लंबिया लंबिया कालिया कालिया गोला लगनिया है उत्ते ते जो बाहर है उसके ऊपर तो लगती है ना अभी भी। हाँ जी वो लगती है, वो भी दिखाते हैं। और ये हवेली के अंदर है पौधे, ये भी शतूत है, ये भी फैक्स इसे फैक्स कहते हैं, फैक्स का पौधा है ये वाला। और ये साथ में गुलाब का माल्टा मकई और ये हवेली में जो हैं वो आपको दिखाएं, अब बाहर जो हैं वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। सारे डेरे के उत्ते डेरे की फ्रंट की लोकेशन है और एप्पलकन का दरख्त आ श्री तूत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलुल्लाह, दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है सुभान अल्लाह। नलका लगा हुआ तो चला के हवा हम नलका फिर व्यूअर्स पहले इस भाई का सवाल सुनो जी। कब सवाल बयान बाबा मिलाद मनाना किथे लिखा है? मिलाद मनाना साडी किस्मत च लिखिया। अच्छा ते कुरान पाक किथे साबित है? कुरान हदीस चो जी साबित है वे ते तुसी ए वेल टाइम आना ते फिर इंशाल्लाह मैं तन्नू तो एदा जवाब दांगा। अगर ए साबित है ते दसो मेरे वीवरां। नहीं तुसी फिर आना, मेरे आज रोजा लगया है ते फिर इंशाल्लाह तन्नू मैं जवाब दांगा इंशाल्लाह। ज्ञान बाबा हूँ गड्डी मोड़न लगा जी, अल्लाह खैर करे जी। ज्ञान हम काबू हो गया वो तलफ मार दिता वा, तलफ मारिया हम ध्यान खान रिवर्स लेके आ, मेरी आवाज आ रही है? रिवर्स लेके आ। अच्छा मोड़न दिया आ जी, क्या बात माशाल्लाह। हम अपने घर तैयारी करने चलिए।